हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी की स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मई की सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश अपडेट्स के बारे में। तो 11 अपडेट को यहाँ पर मैंने ऐड किया है और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो या फिर हिमाचल प्रदेश से बाहर हो, तो आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी अपडेट्स के बारे में, तो डेली जो है हम कोरोना वायरस की अपडेट के बारे में ही बात कर रहे थे। और हर दिन आपको पता है केसेस बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा है जिस दिन केस नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ कुछ दिन के गैप पे जो है हम अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेली इसी एक ही चीज को डिस्कस करना कि इतने केसेस बढ़ चुके हैं, उस चीज को थोड़ा स्किप किया जाए और अल्टरनेट डेज पर जो है इस चीज को डिस्कस किया जाए, ताकि आपको 2-3 दिन के बाद ये पता लग जाए कि आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कितना डाटा हो चुका है, कहां कहां पर कितने केसेस आए हैं। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग न्यूज जरूर पढ़ते होंगे डेली की, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम्स जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो एग्जाम्स आपको नहीं पता लगेगा कि कब जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते जो है वो वीडियोज नहीं आ रही थी, बाकी जब भी है एक एक दो दो दिन बाद जो है वीडियोज आपको मिल जाया करेगी। तो उससे पहले अगर आप घर बैठे हिमाचल प्रदेश कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो परीक्षा ऐप पर जो है वो आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। एचएस मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका एग्जाम होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 1 जून तक आप जो है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो 1 जून तक इसके फॉर्म भर सकता है, उसका मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। एचपीजी करंट अफेयर का आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और एचपी वन पास जिसपे आपको सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक रीजनेबल प्राइस में जो है आपके लिए मॉक टेस्ट रखे गए हैं, और प्राइस इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी ऐप के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, उनको भी कुछ देना पड़ता है। और कूपन कोड आपको यूज करना है जीके स्टडी 40, जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। और साथ ही साथ आपका ये जो मॉक टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। 4 आपके पास एमसीक्यूज फॉर्मेट में ऑप्शन होंगे। आप पूरा टेस्ट जब दे लोगे तो आपको पूरा डाटा आपको मिल जाएगा कि कितने बच्चों में आपका रैंक जो है वो कितना रहा है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में। तो ये 27 मई की रात 9 बजे तक की अपडेट है, बाकी मैं 28 मई की भी आपको जो है वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, मतलब दिन तक की। तो 27 मई की रात 9 बजे तक की अपडेट है, 273% जो है अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 198 जो है वो एक्टिव है। ये भी आपका जो है एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि 3 नए केसेस जो है आज आए हैं। ठीक है, तो आप लगा लीजिए 201 केसेस जो है वो टोटल हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं। माइग्रेटेड आउट 4 है, रिकवर्ड 66 हो चुके हैं, डेथ जो है वो 5 की हो चुके हैं। ठीक है, 276 जो है आपके टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में जब से कोरोना वायरस आया है 30,852 पर्सन को टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 30,019 नेगेटिव निकले हैं और 560 का रिजल्ट जो है अभी वेटिंग में है। कल के अगर बात करें तो आई थिंक कल 28 के करीब जो केसेस, 27 और 28 के करीब केसेस जो है वो पॉजिटिव आए थे। जो आपकी 27 मई की अपडेट थी, ठीक है, उसमें 1480 पर्सन को जो है वो टेस्ट किया गया था, 8 पॉजिटिव निकले थे, 912 नेगेटिव निकले थे और 560 जो थे आपके वेटिंग में थे। ठीक है, कुछ और पहले के केसेस बचे थे, मतलब टेस्ट बचे थे, जो भी वो भी जो है वो पॉजिटिव निकले थे। तो कहां कहां पर टेस्ट किए जाते हैं, आईजीएमसी शिमला, कसौली हो गया आपका, टांडा हो गया, पालमपुर हो गया, नहरचौक हो गया, यहां पर किए जाते हैं आपके टेस्ट। ठीक है, बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बिलासपुर में आपके 14 केसेस हैं, चंबा में आपके 9 केसेस हो चुके हैं। ठीक है, हमीरपुर में सबसे ज्यादा केसेस हैं आपके 85 केसेस, बहुत जल्दी आंकड़ा जो है वो 100 पार करने वाला है यहाँ पर। कभी ये टाइम था कि हिमाचल, पूरे हिमाचल में एक केस था, और अब जो है अकेले हमीरपुर में 85 केसेस हैं। कांगड़ा की बात करें तो 46 है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं है, कुल्लू में 1 केस है आपका, मंडी में 8 है, शिमला में 7 है, सिरमौर में 2 केस है, सोलन में 11 केसेस हो चुके हैं और ऊना में आपके 15 है। ठीक है, टोटल आपके 198 केसेस हैं, और अभी जो है वो बद्दी में आगे पता लगेगा आपको केसेस आए हैं, 3 केसेस और बढ़ चुके हैं। तो 201 के करीब जो है केसेस जो है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, मतलब 200 का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है, बाकी आप पूरी रिपोर्ट जो है यहां पर देख सकते हैं। बात करते हैं अगर यहां पर 28 मई के जो आपका कोविड 19 का हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो एक्टिव केसेस जो है 201 हो चुके हैं, माइग्रेटेड आउट 4 है, रिकवर्ड 66 है और डेथ जो है वो 5 की हो चुकी है। 276 परसेंट पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका सोलन में केसेस की संख्या जो है वो 14 हो चुकी है, बाकी और भी यहाँ पर आप पूरी देख सकते हैं कि कितने कितने केसेस जो हैं वो आपके बड़े हैं। ठीक है, कितनों के कितने ठीक हुए हैं, कितने की डेथ हुई है, ठीक है, माइग्रेटेड आउट कहाँ से कितने हुए हैं, तो ये पूरा है जो कि क्या है आपका रिपोर्ट है आज 28 तारीख की मिड डे तक की। अगले अपडेट की बात करें तो बुधवार को जो है जहां प्रदेश में 27 मामले जो है वो आपके सामने आए थे कल, ठीक है, वहीं गुरुवार सुबह भी प्रदेश को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलने की जानकारी मिली है। तो
तो सोलन जिला के बद्दी में जो है वो कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना जो सक्रिय मामले हैं उनकी संख्या यहाँ पर गलत लिखा है, न्यूज वाले कई बार गलत छाप देते हैं, तो 201 हो चुकी है, ठीक है, और कोरोना के कुल मामलों की संख्या 276 हो चुकी है। इसलिए मैं आपके सामने जो है वो ऑफिशियल रिपोर्ट लाता हूँ ताकि आपको कुछ भी जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। कई बार क्या होता है, गलतियां सभी से होती है, तो न्यूज वाले जो है वो आंकड़े इधर उधर कर देते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। तो 3 नए केसेस जो है आज देखने को मिलेंगे जब तक आपको वीडियो मिल रही है, हो सकता है कि इसके बाद भी जो है वो और केसेस आपको देखने को मिले। अगले अपडेट की बात करें तो बहुत बड़ी गलती जो है हिमाचल प्रदेश प्रशासन बोल लीजिए, सरकार बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है, उनकी सामने आई है। तो हिमाचल में कोरोना संक्रमितों को लेकर जो है वो बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। हमीरपुर की अगर बात करें तो वहां 15 लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव बताई गई थी और उनको जो है वो घर भेज दिया गया था। बाद में इनकी रिपोर्ट जो है वो शिमला से पॉजिटिव आने के बाद जो है वो प्रशासन सख्ती में आया, मतलब प्रशासन ऑब्वियस बात है फिर तो टेंशन होनी ही थी, तो बाद में जो है इनको घर से जो है वो आपका COVID-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। यानी कि 15 लोग जो थे वो पहले से पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई और उनको जो है वो बाद में घर भेज दिया गया। अब वो दूसरे लोगों के संपर्क में आए होंगे, अब किनके इसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं थी उसके बारे में तो चलो बाद में बात होगी, बट जो जो लोगों के संपर्क में ये ऑब्वियस है आए ही होंगे, तो अब आई थिंक उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर दोबारा चेक किया जाएगा कि कितने जो है उनमें से भी पॉजिटिव निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां पहले भी देखने को मिली हैं, अब भी देखने को मिल रही है, प्रशासन भी गलती कर रहा है, ठीक है, साथ साथ लोगों के द्वारा भी कई बार क्या होता है कि कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, क्वारंटाइन तोड़ रहे हैं, तो गलतियां देखने को मिल ही रही है। बट ये बहुत बड़ी गलती है कि 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद जो है वो पॉजिटिव निकले हैं और उनको घर भेज दिया गया था, ठीक है। तो अगले अपडेट की बात करते हैं साथ ही साथ, तो ये आप सभी को पता होगा कि राजीव बिंदल जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। तो एक अभी हाल ही में ही जो है वो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें 5 लाख की रिश्वत लेने की मांग की गई थी, ठीक है, तो उनका नाम जो है इसमें उछाला गया था, तो इसी के चलते उन्होंने नैतिकता के आधार पर जो है वो पद छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाला था, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो वहां पर जाकर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो यहां पर जो है वो आप पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा जो है वो बात नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं कि क्या पूरा मामला था कि 9 करोड़ का दिया था सप्लाई ऑर्डर, 5 लाख रुपए की जो है वो मिलनी थी रकम, मतलब उसके लिए मांग की गई थी, ठीक है, जिनकी भी जो भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अगले अपडेट की बात करें तो दुनिया के 2 जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आशीष झा और जोहान गिसेक, उन्होंने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस अगले साल तक रहने वाला है तथा भारत में लॉकडाउन में लचीलापन लाने एवं आर्थिक गतिविधियां आरंभ करते समय लोगों के बीच विश्वास पैदा करने की जरूरत है, ठीक है। आप एकदम जो आपका लॉकडाउन है उसको आप एकदम से हटा भी नहीं सकते, और पूरे साल अगर ये बात सच होती है कि आपका अगले साल तक भी जो है वो लॉकडाउन रहेगा या फिर पूरे साल लॉकडाउन रहने वाला है, तो उसके बीच में आप पूरे साल भी जो है वो लॉकडाउन नहीं रख सकते, तो इस बीच में जो है वो लोगों का विश्वास जीतने की ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी आपने न्यूज देखी होगी कि मजदूर लोग पैदल ही जा रहे हैं, ठीक है, इतनी गर्मी में, ठीक है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ चीजें नहीं मिल रही है, तो उन चीजों के बारे में स्पेशली जो है वो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, क्योंकि जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है ऑब्वियस बात है घर हर कोई जाना चाहता है, ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उनकी कुछ मदद ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैक्सिमम जगह पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। हिमाचल में तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को बाहर से लाया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण केसेस भी बढ़े हैं, ठीक है, बट फिर भी ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, देखते आगे क्या होता है। अगले अपडेट की बात करें तो बस किराए में 50% तक की वृद्धि करने की जो है वो मांग रखी गई है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा कि 1 जून से बसों को चलाने के बारे में बोला गया है, तो हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों द्वारा 1 जून से बसों को चलाने से इनकार कर दिया गया है। ऑब्वियस बात है कि उनको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसके बाद अब परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने संघ को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐसे में वीरवार को परिवहन मंत्री व निजी बस ऑपरेटरों संघ के पदाधिकारी जो भी है उनके साथ बैठक में 1 जून से प्राइवेट बसों को चलाने पर फैसला होगा, ठीक है। बैठक में बुलाने से पहले संघ ने परिवहन मंत्री को 8 सूत्रीय मांगों का एक पत्र भेजा था, उन्होंने 8 मांगे जो है उसमें रखी हैं। परिवहन मंत्री को भेजे पत्र में संघ ने प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर और महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि बसें चलाने के लिए प्रदेश सरकार के सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए 60% क्षमता में बसें चलाने के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार डीजल स्पेयर पार्ट्स एवं अन्य चीजों के दाम बढ़ गए हैं इसलिए सामान्य किराए में 50% की वृद्धि करना अति आवश्यक है, ठीक है। वो लोग ये जो बस ऑपरेटर है वो 60% के साथ मान रहे हैं, बट उनका ये कहना भी है कि डीजल महंगा है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, ठीक है, और चीजें भी बहुत सारी होती हैं, तो उसके चलते 60% किराया जो है वो बढ़ाया जाए,
इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि 60% पर बसें चलाना असंभव है, क्योंकि जहां से रूट शुरू होता है वहीं से अंत तक 60% सवारियां जो है वो मिलना असंभव है। ठीक है, तो ये चीज तो आप सभी को पता ही होगी कि ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लीजिए किसी एक रूट से जो है वो सवारियां शुरू हो जाती है, या तो वहीं से फुल हो जाती है, या हो सकता है कि पूरे रूट पर ही जो है वो सवारियां ना मिले। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या डिसीजन आएगा उसके बारे में जब भी आएगा तो बात करेंगे हम। और साथ ही साथ जो है ये भी जो है वो मांगे रखी गई है कि जो टोकन टैक्स है और बाकी जो और अदर टैक्स लिए जाते हैं उनको 4 महीने के लिए जो है वो माफ किया जाए। ठीक है, और इंश्योरेंस का अगर 60% पर जो है वो बसें चल रही है तो 100% का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो क्यों दिया जाए। तो ये सभी 8 इन्होंने जो है वो मांगे रखी है, उस पर क्या फैसला आता है उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। और 1 जून से जो है वो बसें चलने के लिए बोला गया है। बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जो सोमवार को बोला गया था कि टैक्सीज जो है वो चलाई जाएंगी, टैक्सीज जो होती है, तो अब ये फैसला लिया गया है कि 1 जून से जो है वो टैक्सियों को चलाया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि जो बिना 1 जून से जो है वो बिना कर्फ्यू पास के टैक्सियां एक जिले से जो है वो दूसरे जिले में जा पाए। ठीक है, इसका जो बाद में डिसीजन होगा वो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि एक न्यूज निकल कर ये भी आ रही है, ठीक है, ऑफिशियल न्यूज ही है कि 30 जून तक जो है आपका कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके जिला डीसी के ऊपर। ठीक है, तो डीसी डीसी के ऊपर बात है कि कौन अपने जिले में जो है वो कर्फ्यू को बढ़ाता है। तो 1 जून से टैक्सी चलेगी, इसके बारे में क्या लिखा गया है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में टैक्सी के संचालन को लेकर हिमाचल सरकार ने अपना फैसला पलट लिया है। ठीक है, तो सोमवार को ये बोला गया था कि टैक्सियां सोमवार से शुरू होंगी, तो अब जो है वो 1 जून पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है कि 1 जून से जो है वो आपका टैक्सेस चलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय लिए गए हैं कि 12,000 करोड़ अनस्पेंड मनी जो है वो सरकार खर्चेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ 13 साल में पक्के होंगे शिक्षा विभाग के जो वाटर कैरियर होते हैं, ठीक है, वो 13 साल में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके स्कूल वर्दी की खरीद को भी ये एक्स्ट्रा है, इस चीज को हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगले अपडेट की बात करें तो लॉकडाउन खुलने के 15 दिन बाद जो है वो एग्जाम होंगे। ठीक है, एचपीयू के कुलपति ने ये कहा है कि एंट्रेंस टेस्ट की जो है वो तैयारियां शुरू कर लें छात्र। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते क्या है कि ये याद रखिएगा कि आपकी तैयारी जो है आप अभी से करनी शुरू कर दीजिए, जिन्होंने भी सिलेक्ट होना है। ठीक है, आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जब भी एग्जाम आएगा तब आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से अच्छी होगी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एक और राहत भरी खबर आई है। लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में स्थिति सामान्य होते ही लॉकडाउन खुलने के 15 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। और प्रशासन का दावा है कि तमाम परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। ठीक है, तो 15 दिन के भीतर ये एग्जाम होंगे, तो एग्जाम जो भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है वो अपनी तैयारी जो है वो पूरी स्टार्टिंग जो है वो उसकी कर ले। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो सरकारी समारोह में फूल गुलदस्ते टॉपी शॉल भेंट करने की जो है प्रथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि जो भी सरकारी समारोह होते थे उसमें फूल गुलदस्ते दिए जाते थे, टॉपी शॉल दी जाती थी, तो इस प्रथा को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी समारोहों में फूल गुलदस्ता भेंट आदि की प्रथा जो है वो बंद कर दी है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी समारोह में फूल गुलदस्ता टोपी व शॉल जो है वो भेंट नहीं की जाएगी। हर समारोह में यह प्रथा थी कि मुख्य अतिथि को ये वस्तुएं भेंट की जाती थी। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर यह जो है निर्णय लिया है और इस प्रथा को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगले अपडेट की बात करें तो कोई भी महिला अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो घर बैठे जो है वो व्हाट्सएप पर 24 घंटे कभी भी जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो तो कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर आपके काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए आप 1916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित होने पर 104 पर, राशन और गैस के लिए 1967 पर, और घरों से कूड़ा न उठने पर 1916 पर, और बिजली संबंधी शिकायतों के लिए आप 1912 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1070 जो है वो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी ऐसे हिस्से में रह रहे हो जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यानी कि आपको दवाइयां वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप इन नंबरों पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको घर बैठे जो है दवाइयां मिलेगी। अगर आप किसी अदर स्टेट में फंसे हुए हो तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किए गए, 24 घंटे ये क्रियाशील रहते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किए गए हैं। और अगर आप चंडीगढ़ और दिल्ली में हो, आपको राशन पानी, रहने का स्थान या फिर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो आप जो है इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 बजे से 10 बजे के बीच में। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।